नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के महराजगंज जिला के कोठीभार थाना क्षेत्र के गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि बगल के गाँव में रहने वाला सतीश नाम का युवक किशोरी से प्रेम करती थी और आज उसी के बुलाने पर लड़की मिलने गई थी। इसके बाद नाबालिग लड़की को उसके प्रेमी सहित चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब शाम को पीड़िता ने आपबीती के घर पर बताया, तब जाकर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। वही गैंगरेप की घटना की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जाँच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रेणु गुप्ता का कहना है कि अभी हथरस में एक बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, तब तक बलरामपुर में हो गया और अब महराजगंज में। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न की आवाज़ हमेशा कांग्रेस उठाती रहेगी और पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेगी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि गैंगरेप के मामले में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी सभी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। यहाँ पे गांव में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। अभी एक बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, तब तक बलरामपुर में हो गया, तब तक महराजगंज जिले जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। इस तरह से वारदातें बढ़ती जा रही हैं और पूरे यूपी को इन लोग योगी और मोदी ने मिलकर के पूरे यूपी और पूरे देश को जंगल राज बना दिया। सबसे ज़्यादा रेप केसेज हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर अब क्या कर रहे हैं? अगर आपसे कुर्सी संभलती नहीं है तो छोड़ दीजिए। बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? जो आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो बेटी सताओ और बेटी मिटाओ में तब्दील हो गया है। मैं जानना चाहती हूँ अपने इस BJP के सरकार से कि आखिर अब क्या कर रहे हैं? लड़कियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी, क्या करेंगे? क्या इसी तरह से होता रहेगा? पुलिस प्रशासन लगातार लापरवाही बरतती जा रही है। अगर इन अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई तत्काल होता तो इस तरह से करप्शन बढ़ता नहीं और बेटियाँ सुरक्षित होती, इस तरह से रेप केस नहीं बढ़ते। राय दिन लूट, बलात्कार और हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या हो रहा है इस देश में? पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज्य में तब्दील हो गया है। अच्छा, योगी जी ने एक बयान जारी किया है, कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रही है। हम लोग बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पार्टी शुरू से लेके अब तक खड़ी है और हमेशा हम खड़े रहेंगे। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति, मैं एक महिला हूँ, मैं एक बेटी हूँ और देश की हर बेटी आवाज़ उठाएगी पीड़ित परिवार के लिए। और किसी भी बेटी के साथ इस तरह से होता है तो हम देश की आधी आबादी है, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रेणु गुप्ता, महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जिला महाराजगंज। बेटी है, इसमें कितनी सत्यता है और क्या मामले हैं इसमें? थाना कोठीबार क्षेत्र में एक गांव में 16 वर्ष की लड़की है, उसका गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था। आज 11 बजे दिन में लड़के ने फोन करके लड़की को बुलाया और उसके बाद जब लड़की 5 बजे वापस आई गांव में तो उसने बताया कि उस लड़के ने और उसके साथ 3 और लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो मुख्य लड़का था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें 3 और नाम बताए गए हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए हमने 2 टीमें भेजी हैं। लड़की को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसके मेडिकल आदि की कार्रवाई की जा रही है।